आज हम बात करेंगे एसिड रिफ्लक्स के बारे में। ये जो एसिड रिफ्लक्स होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो एसोफेगस है, यानी कि जो आपकी खाने की नली है, जो आपकी फूड पाइप है, उसमें एसिड का बार बार ऊपर की तरफ आ जाना, इसे कहते हैं एसिड का रिफ्लक्स, यानी एसिड रिफ्लक्स। आपने अपने रिश्तेदारों तथा दोस्तों से ये जरूर सुना होगा, कभी कभी उनको लगता है कि उनका जो एसिड है रिफ्लक्स कर रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो आज इसी एसिड रिफ्लक्स के बारे में जानेंगे और इसके वैज्ञानिक कारणों को समझेंगे कि किस प्रकार से ये जो आपका एसिड रिफ्लक्स है वो आपके शरीर में होता है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थी फ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है, इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कि आपको कौन से बीमारियों में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, साथ साथ ये भी बताया जाता है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन तथा बीमारियों के बारे में बताया जाता है, जिससे कि आप अपने जांच और अपने बीमारियों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी पा सकते हैं। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं, पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसी प्रकार की मेडिकल से संबंधित वीडियो तथा आपकी हेल्थ समस्या प्रॉब्लम को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के बारे में सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आपके पास आसानी से पहुँच सकती है। तो दोस्तों, एसिड रिफ्लक्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं आपके इसोफेगस, यानी आपकी जो फूड पाइप है, खाने की नली है, उसके कार्य करने की प्रणाली के बारे में, कार्य करने के तरीके तथा उसके बनावट के बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप कुछ खाते हैं, निगलते हैं या जब आप पीते हैं, तो आपके मुँह से होते हुए नीचे की तरफ आता है। जब वो आपके नीचे की तरफ आता है तो वहाँ पर दो प्रकार की नलियाँ मिलती हैं। जो आगे की तरफ नली होती है उसे कहते हैं ट्रेकिया। ये ट्रेकिया होता है, ये आपके फेफड़े यानी कि आपकी जो लंग्स होते हैं वहाँ पर जाके ज्वाइंट होती है, जिससे कि आपको जो ऑक्सीजन, आप जो सांस लेते हैं, वो डायरेक्ट आपके लंग्स में पहुँच जाता है। उसी के जस्ट पीछे एक नली होती है जिसको कहते हैं इसोफेगस, यानी कि खाने की नली, फूड पाइप। जब आप कुछ निगलते हैं या जब कुछ खाते हैं, तो आपकी जो ट्रेकिया की जो वाल्व होती है वो बंद हो जाती है और इसोफेगल की वाल्व ओपन हो जाती है, और आपका खाना या जो आप पीते हैं वो धीरे से आपके फूड नली से होते हुए आपके खाने की थैली, यानी कि आपके पेट और स्टमक तक आसानी से पहुंच जाती है। ये जो खाने की नली होती है मसल से मिलकर बनी होती है, जिसे कहते हैं स्मूथ मसल। यही जो स्मूथ मसल्स होती है, आप जब भी खाते हैं तो आपके खाने को धीरे धीरे ढकेलते हुए, चलाते हुए आपके खाने की थैली में ले जाकर डिपॉजिट करती है, यानी कि आपके स्टमक में जाकर डिपॉजिट करती है। तो इसी मोशन को कहते हैं पेरास्टाल्सिस। ये जो पेरास्टाल्सिस होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये आपके खाने की नली को, आपके जो स्मूथ मसल्स है उसके द्वारा ये धीरे धीरे आगे तरफ ढकेलता हुआ, चलाते हुए आपके खाने की थैली में जाके खाने को पहुंचा देता है। ये जो फूड पाइप है, जो खाने की नली है, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर। ये जो स्फिंक्टर होते हैं आपके जो खाने की नली की शुरुआत में, और जो आपके खाने की नली नीचे पेट में जाके जहाँ ज्वाइंट होती है, वहाँ पे दो प्रकार की वाल्व के रूप में काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर। तो आप समझते हैं इसी स्फिंक्टर के बारे में। जो स्फिंक्टर्स होते हैं, ये स्पेशल प्रकार की मसल से बने होते हैं, जिसे कहते हैं सर्कुलर मसल्स। जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जब आपके मुंह से जो खाने की नली ज्वाइंट होती है, वहाँ पे जो स्फिंक्टर्स होते हैं, जिसे कहते हैं अपर इसोफेगल स्फिंक्टर, एक प्रकार से वाल्व का काम करते हैं। आपके मुंह के द्वारा जो खाना खाता है तो ये ओपन हो जाता है, उसके बाद जब खाना आपके फूड नली में चला जाता है तो ये क्लोज हो जाता है। उसके बाद जब आपका खाना नीचे जाता है, आप वो खाने की थैली, यानी कि जब आपके पेट में जहाँ वो ज्वाइंट करता है, एक स्फिंक्टर वहाँ होता है, उसे कहते हैं लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। ये क्या करता है कि जब आपका खाना आपके पेट के थैली में चल जाता है, आपके स्टमक चल जाता है, तो क्लोज हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके खाने की थैली से जो भी आपका खाना है वो ऊपर की तरफ, या जो एसिड है वो ऊपर की तरफ ना आ पाए। अब तो आप समझ गए होंगे स्फिंक्टर्स के बारे में, क्योंकि ये एक प्रकार के वाल्व का काम करता है। अपर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जब आप कुछ खाने का मन होता है, कुछ निगलने का मन होता है, तब आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये एक प्रकार से वन वे ट्रैफिक की तरह काम करता है, यानी कि इसमें जब खाना जाता है तो वो सिर्फ जाता है, वापस नहीं आ पाता है। कुछ अलग स्पेशल कंडीशन होती है, जब आपको वॉमिटिंग करने का मन करता है तब ये टू वे हो जाती है, लेकिन अक्सर ये वन वे ट्रैफिक की तरह काम करता है। और ये जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, प्रकृति ने इसको ऐसा ही बनाया है। जब आपका खाना आपके फूड पाइप से, यानी इसोफेगस से होते हुए आपके खाने की थैली, यानी कि जब पेट में चला जाता है, तो ये वाल्व बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने खाने की नली, यानी कि जो आपका इसोफेगस है, इसके कार्य प्रणाली तथा इसके बनावट के बारे में जानकारी ले ली होगी। अब दिक्कत आती कहाँ पर, ये जो एसिड रिफ्लक्स है वो होता क्यों है और कब होता है? जब कभी यही जो आपका लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है, ये डैमेज हो जाता है या जब ढीला हो जाता है,
तब क्या होता है कि जो आपके पेट में एसिड बना होता है वो उसी इन्फेक्टर यानी उसी वाल से होते हुए आपके खाने की नली में आ जाता है और आपको प्रॉब्लम करता है। यानी कुछ ऐसी कंडीशन होती है वाल का डैमेज होना या कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण ये आपका वाल होता है वो ढीला हो जाता है और डैमेज हो जाता है। आपका वाल तुरंत प्रेशर पड़ने पर ओपन हो जाता है और आपका जो एसिड और सांस में कभी कभी जो खाना होता है वो भी ऊपर की तरफ आता है और आपको गले में जलन की तरह महसूस होता है, आपको सीने में जलन की तरह महसूस होता है। आइए अब समझते हैं कि एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स के बारे में कि जब आपको एसिड रिफ्लक्स होता है तो किस प्रकार के जो लक्षण हैं आपको दिखाई देते हैं। जब कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके सीने में जलन हो रही है, कुछ ऐसा आपके मुंह में खट्टे डकारें आने लगती हैं, हिचकियाँ आने लगती है, कभी कभी आपका खाना भी रिफ्लक्स होकर आपके मुंह तक आ जाता है, तो इस लक्षण को देखते हुए आपको समझ जाना चाहिए कि आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि जो एसिड रिफ्लक्स आपका बार बार होता है, लगातार होता है, तो क्या होता है कि ये आपके जो लैरिंग्स है उसको इरीटेट करता है। जब उसको इरीटेट करेगा तो आपको बहुत तेज खांसी आएगी, सूखी खांसी आएगी, कभी कभी आपको बेड ब्रीथ का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब एसिड रिफ्लक्स के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि यह जो आपका एसिड रिफ्लक्स है वो किस प्रकार से होता है, कैसे वो आपको प्रॉब्लम में लाता है और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके द्वारा आपके शरीर में एसिड रिफ्लक्स बनता है। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि जो आपकी फूड की नली होती है उसके द्वारा जब आपका खाना आपके पेट में पहुँचता है यानी कि आपके स्टमक में पहुँचता है, तो आपके स्टमक और खाने की नली के बीच में एक वाल्व होता है जो किसी कंडीशन के कारण डैमेज हो जाता है या ढीला हो जाता है, तो आपके पेट में जो एसिड होता है वो वापस रिफ्लक्स होकर आपके खाने की नली में आ जाता है, इसी कहते हैं एसिड रिफ्लक्स। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, आपको एसिड रिफ्लक्स के बारे में समझ में आ गया होगा, इसोफेगस के बारे में समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरे लोगों को जिनमें ये एसिड रिफ्लक्स की समस्या है वो इस एसिड रिफ्लक्स को अच्छी तरीके से समझ सकें और उसका ट्रीटमेंट कर सकें। अगला वीडियो में इसी एसिड रिफ्लक्स के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो के बारे में जो नोटिफिकेशन है आप लोग तक आसानी से पहुंच सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी, जय हिंद।